गाइस, किसी भी ऑडिशन के अंदर आपका सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, बट अगर आप कोशिश ना करें तो ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं वाई डोर चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डांस दीवाने को लेकर। बहुत सारे कमेंट्स हैं आप लोगों के, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी पूछना चाहते हैं जो शायद मैंने पिछली वीडियो में ना बताई हूँ आपको। मैं कोशिश करूँगा वो सभी बातें कवर करने को। साथ ही साथ गाइज, जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, पहले 17 मई थी, अब वो 31 मई कर दी है, तो आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 17 मई से 31 मई लॉकडाउन की जो आखिरी डेट है 31 मई है, और जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा तो इस शो की डेट भी बढ़ेगी, और अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ता तो ये शो की डेट भी आपको गाइज 31 मई लास्ट डेट है, तो 31 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि पैन कार्ड आपको किसका डालना है, क्यों पैन कार्ड जरूरी है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सके। गाइस, जिन लोगों ने फॉर्म पहले ही फिल कर दिया था, मतलब जब पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं था, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जब ही लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था, उनको दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमको क्या दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नहीं, आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने विदाउट पैन कार्ड के फॉर्म फिल किया था। और गाइस, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा, हमने तो फॉर्म फिल कर दिया, हमारा तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं गाइस, लोगों को ईमेल्स भी आ रहे हैं, उनके रिजल्ट का जो सॉल्यूशन है वो भी आ रहा है। अगर आप फेल हैं, आपका जो वीडियो है वो अच्छा नहीं है, तो आपको गाइस कोई मेल नहीं आएगा, और आप 5 या 10 दिन तक वेट कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आप समझ लीजिए कि आपका वीडियो रिजेक्ट कर दिया है। पर आप लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर जो फोकस है वो फॉर्म फिल करने में कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करने में कर रहे हैं। वीडियो की क्वालिटी, वीडियो की डांस परफॉर्मिंग, इस चीज़ में आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे। मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं कि वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही आप लोगों की। आप लोग क्या है, कहीं भी आप वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब कहीं भी तो चल जाता है, बट आपको पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, जैसे कि पीछे आपके कपड़े सूख रहे हैं, बर्तन दिख रहे हैं, ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अगर आपके डांस परफॉर्मिंग अच्छी है, आपकी जो बीट्स है उसको आप अच्छे से कैच कर रहे हैं, और आप क्रिएटिव तरह से डांस करके दिखा रहे हैं, तो गाइज आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। आप फॉर्म में थोड़ी बहुत गलतियां कर सकते हैं, बट अगर आपकी वीडियो बिल्कुल अच्छी है तो आपकी वो जो गलतियां हैं वो भी माइनर कर दी जाएंगी। तो चलिए आप देख लेते हैं कि भाई फॉर्म कैसे फिल करना है, और डांस की वीडियो तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी डांस स्किल्स को देखकर आपको वीडियो शूट करनी है। वीडियो का साइज मैंने आपको बता रखा है कि 50 MB से कम की ही वीडियो बनाइए, ज़्यादा की मत बनाइए, नहीं तो फॉर्म में डलेगी नहीं। MP4 फॉर्मेट की होनी चाहिए वीडियो, और आप अगर फ़ोन से वीडियो बनाते हैं तो वो MP4 में ही आती है, इस बात की आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी जो वीडियो 50 MB से कम की है और MP4 फॉर्मेट में है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि भाई फॉर्म कैसे फिल करना है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि यार लिंक दो। भाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूँ कि लिंक पे आपको कैसे जाना है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो YouTube है वो खुल चुका है मेरा, और जैसे कि मान लेते हैं ये वाली वीडियो है, और इस वीडियो का मेरे को डिस्क्रिप्शन चेक करना है। हम लोग बोलते हैं भाई कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, तो वो कौन से डिस्क्रिप्शन की बात चल रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये ऐड है, इसको हटा देते हैं। और कोई भी लिंक अगर मैं बोलता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन के नीचे है, तो आपको क्या करना है, आपको ये डॉट दिख रही है साइड में जो नीचे को एरो बन रहा है, इसको आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइज ये इसका डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। अब आप देख सकते हैं इधर फॉर्म लिंक लिखा हुआ है, ये गाइज अब हमारा पर्सनल फॉर्म है, इसको आपको फिल करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के नीचे या इसी के ऊपर हम आपको वो जो फॉर्म होता है, किसी भी डांस इंडिया डांस का हो या किसी भी चीज़ का फॉर्म हो, वो हम इस फॉर्म के आगे पीछे आपको दे देंगे, या तो ऊपर देंगे या नीचे देंगे। तो ये है गाइज हमारा डिस्क्रिप्शन, और ये जो डॉट से आपको ये चेक करना है, ये डॉट है गाइज ये ज़्यादातर ऐसे ऊपर मिलता है, तो आप सोचते हो कि भाई पता नहीं लिंक कहाँ पर है, क्योंकि उसके बाद ये वीडियोस आ जाती हैं। आपको क्या करना है, ये जो डॉट है आपको इस पर क्लिक करना है, और ये आपका फिर डिस्क्रिप्शन पूरा खुल जाता है इस वीडियो का। तो आप इधर से गाइज इस फॉर्म के पीछे आगे हम नाम भी लिख देंगे उस फॉर्म का, उसके हिसाब से आपको उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, तो चलिए अब चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। आप देख सकते हैं गाइज ये फॉर्म खुल चुका है, और इस फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया है, और हमारे डिस्क्रिप्शन से जाके आप फॉर्म को फिल कीजिए।
क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि यार आप और कहीं से फॉर्म का लिंक क्लिक करते हैं तो फॉर्म खुलता नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे पहले दिखा देता हूँ, कंफर्म करा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये फॉर्म खुल चुका है और इस फॉर्म का अगर आप कितना भी यूज़ करें ये हर बार खुलेगा। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको इधर पेस्ट करता हूँ तो गाइज़ ये फॉर्म खुल जाएगा। थोड़ा सा ब्राउज़ होगा बट देन ये फॉर्म खुल जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म खुल चुका है। बट अगर आप हमारे थ्रू फॉर्म को नहीं फिल करते, मान लीजिए आप इसके इंस्टाग्राम पेज पे जाते हैं, जैसे डांस दीवाने का किसी ने पेज बना रखा है और इसने लिंक दे रखा है, जैसे वो अगर आप इस वाले लिंक से फॉर्म को फिल करते हैं तो आप देख सकते हैं गाइज जो ये फॉर्म है ये खुलेगा नहीं। फिलहाल मैं सबको काट देता हूँ, इसको भी काट देता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फॉर्म तो है बट ये ओपन नहीं होगा। और इसका क्या रीज़न है? क्योंकि गाइज ये अनऑथराइज हो सकते हैं, शायद इसलिए इनका फॉर्म नहीं खुल रहा। और अनऑथराइज से आप फॉर्म फिल मत कीजिए, जो लिंक हम आपको देते हैं उन्हीं से आपको फॉर्म को फिल करना है। आप देख सकते हैं ये ब्राउज होता रहेगा बट ये फॉर्म ओपन नहीं होगा। और जो गाइज मेरा लिंक है जो मैंने आपको दिया है आप उसका देख सकते हैं, मैं इसको इधर कॉपी करता हूँ ये मेरे लिंक को, और आप देख सकते हैं ये अभी भी नहीं खुला। बट इधर मैं इसी लिंक को पेस्ट करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ और इधर ब्राउज होगा बट फॉर्म खुल जाएगा, बट इधर आप देख सकते हैं ये अभी भी नहीं खुला। तो गाइज़ इसमें कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, तो इसलिए कहता हूँ जो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक देता हूँ उसी लिंक से आप फॉर्म को फिल करना। तो मैं अब आपको समझाऊंगा कि कैसे फॉर्म के अंदर क्या क्या फिल करना है, तो चलिए चलते हैं। गाइज़ आप सबसे पहले देखना, इधर आपको नेम भरना है अपना, जो भी इस शो के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको अपना नेम भरना है इधर, और उसकी एज डालनी है। और उसके बाद अगर आपकी एज 18 साल से नीचे है तो आप अपने इधर टिक कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप इस टिक के ऑप्शन को हटा सकते हैं, मतलब इसको छोड़ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आप देख सकते हैं स्टार बन रहा है, जहां पर भी स्टार बन रहा होता है गाइज वो जो चीज़ होती है वो मैंडेटरी होती है। मैंडेटरी मतलब आपको ज़रूर फिल करनी होती है। तो आप देख सकते हैं इधर स्टार बन रहा है, इधर भी स्टार बन रहा है पर इधर स्टार नहीं है। तो अगर इसमें क्या ऑप्शनल है, अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप इसको टिक मत करना, और अगर आपकी एज 18 साल से नीचे तो आपको ये ज़रूर टिक करना है। आप देख सकते हैं इधर पेरेंट्स और गार्डियन नेम किसी का भी आप डाल सकते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम, बट ये जो मैंडेटरी नहीं है आप देख सकते हैं इधर स्टार नहीं बन रहा। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, बट जिनकी एज 18 साल से नीचे है उधर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेट इज अंडर 18, उन्हीं के लिए है ये। अगर आपकी एज 18 साल से नीचे है तब आप इधर अपने मम्मी का या पापा का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं नीचे, जेंडर, जेंडर मैंडेटरी है। आप देख सकते हैं इधर स्टार बन रहा है, इसको आपको जरूर फिल करना है। आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी आप इधर डाल सकते हैं। उसके बाद गाइज एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो भी आपको जरूर फिल करना है क्योंकि स्टार बन रहा है। सिटी भी आपको फिल करनी है और पैन कार्ड भी। जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई पैन कार्ड अगर हम ना डालें तो हमारा काम चल सकता है, तो आप देख सकते हैं पैन कार्ड पे भी स्टार बन रहा है, तो इसका मतलब ये कंपलसरी है। अब इसके नीचे एक ऑप्शन दे रखा है इन केस ऑफ अ माइनर, अगर आप माइनर है, माइनर मतलब अगर आप छोटे हैं तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड, अपने घर में किसी का भी जो आपसे बड़े हैं उनका पैन कार्ड डाल सकते हैं। अब एक बात और याद रखनी है, जो भी आप इधर नाम डालो, जैसे आपने इधर अपने फादर का नेम डाल दिया और तो आपको पैन कार्ड भी उनका ही डालना है। आपने अगर फादर का नेम डाला है तो पैन कार्ड भी उनका चलेगा, अगर आपने इधर मम्मी का नाम डाला है तो मम्मी का ही पैन कार्ड इधर चलेगा, क्योंकि इधर साफ साफ लिखा है कि प्रोवाइड करें पेरेंट या गार्डियन का पैन कार्ड डिटेल, ठीक है गाइज। और तीसरी जो बात है गाइज, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, बाय चांस मान लीजिए आपका पैन कार्ड नहीं है और आपकी एज 18 साल से ऊपर हो चुकी है क्योंकि आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इस केस में भी अपने मम्मी या पापा का जो पैन कार्ड है वो डाल सकते हैं, ठीक है गाइज। और ईमेल एड्रेस में आप गाइज अपना ही ईमेल एड्रेस डालिए, फादर का मत डालिए क्योंकि जो मेल आएगा उनको पता नहीं चलेगा और फिर जो आपका चांस है वो रह जाएगा गाइज। उसके बाद मोबाइल नंबर भी अपना डालिए गाइज। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो वीडियो हो वो लेस देन 50 MB होनी चाहिए और MP4 फॉर्मेट में होनी चाहिए। 50 MB की वीडियो बनाना आपके लिए काफ़ी आसान है, तो गाइज 50 MB की वीडियो अगर आपसे नहीं बनती, आपको लगता है कि यार हर बार 50 MB से ऊपर हो जाती है, तो मुझे यार कमेंट्स करके बताइए और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको समझा दूँ कि कैसे आपको 50 MB से कम की ही वीडियो कैसे बनाते हैं। और उसके बाद गाइज अगर आपकी एज 18 साल से नीचे है तो आप इधर टिक कीजिए, और अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आपको इधर टिक करना है।
आप दोनों पे टिक नहीं कर सकते, किसी एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ठीक है, तो आप नीचे वाले पे टिक कीजिए अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो। उसके बाद आई एग्री पे टिक करके आपको फॉर्म को सिंपली सबमिट कर देना है। इतना सा काम है जो आपको करना है। अब ये फॉर्म फिलिंग बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, क्योंकि गाइज वो पहले आपकी वीडियो देखते हैं, उनको वीडियो पसंद आती है, उसके बाद वो आपका फॉर्म चेक करते हैं। पहले केस में ही अगर आप निकल जाएंगे, मतलब आपकी वीडियो ही अच्छी नहीं होगी, तो फॉर्म का क्या फ़ायदा, क्या वो फॉर्म आपका चेक करेंगे, नहीं करेंगे। तो आपको वीडियो इतनी अच्छी बनानी है कि आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो वो नेगलेक्ट हो जाए, क्योंकि आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी है। डांस दीवाने वाले चाहें कि वो आपको ज़रूर ले लें अगर आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी है। अब वीडियो क्वालिटी में मतलब कहने का ये नहीं कि आप बड़े कैमरे से या काफ़ी अच्छी लाइटिंग से वीडियो शूट करें, कहने का मतलब ये है कि आपको अपने डांस की क्वालिटी, आपको कोरियोग्राफर और क्रिएटिविटी दिखा के डांस करना है। तो मैंने आपको गाइस बता दिया किस तरह से फॉर्म फिल करना है। फॉर्म की लास्ट डेट 31 मई है और फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि इतना लंबा चांस आपको कभी नहीं मिलेगा डांस दीवाने को लेकर जितना लंबा चांस इस बार आपको मिला है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है। डांस दीवाने जैसे शो ने आपको इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, आप इसको मिस मत करिए। तो मिलता हूँ मैं गाइस इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।